जदयू का दामन छोड़ अब धीरज चौधरी राजद की ओर बढ़े। जी हाँ, तीर वाले जदयू का छोड़ अब वो लालटेन थामने की तैयारी में हैं और इसके लिए उन्होंने सदस्यता भी ग्रहण कर ली। आपको बता दें कि राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने उन्हें अपने समर्थकों के साथ फूलमाला से स्वागत कर राजद की सदस्यता दिलाई और इस अवसर पर काफ़ी समर्थक खुश भी दिखे। इससे पहले जदयू में धीरज चौधरी नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने जदयू को छोड़ दिया और अब राजद का दामन अपने सैकड़ों साथियों के साथ थाम लिया है। इस अवसर पर धीरज चौधरी ने कहा कि जदयू में जो सरकार है उससे वह संतुष्ट नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए उन्हें पैरवी और पैसे की ही जरूरत पड़ती है। आम नागरिकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्होंने जदयू का दामन छोड़ राजद का दामन थाम लिया है। डेहरी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की ये रिपोर्ट। यूनाइटेड के पद को छोड़कर आए हैं नगर अध्यक्ष का, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का, क्यों, आखिर क्या कारण हुआ? देखिए, कारण ये है कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन जनता दल यू से ही शुरू किया था। मैंने अपना बहुत सा समय अपने इस दल को दिया, लेकिन हमारे डेहरी नगर में खासकर जनता दल यू में नेतृत्व क्षमता है ही नहीं। कोई हमारा नेतृत्व करने वाला नहीं है। अगर कहीं भी जाओ तो पैसा, कहीं भी पैरवी पैसा, तो ऐसा पार्टी के साथ रहने से क्या फायदा है? अब हमारे पास अवसर है, हमारे पास हमारे विधायक आए हैं विकास पुरुष डेहरी के, माननीय फतेह बहादुर जी। इसी को देखते हुए और आरजेडी का जो सोच है वो मुझे अब अच्छा लगता है, पहले भी लगता था, इसीलिए मैं अब आरजेडी ज्वाइन किया। आपके साथ कितने कार्यकर्ता हैं? मेरे साथ लगभग 50-100 कार्यकर्ता हैं, जो कि अति पिछड़ा समाज से हैं, ठीक है ना, और सारे हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग आज मेरे साथ शामिल हुए हैं। जदयू से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के धीरज नगर अध्यक्ष धीरज चौधरी ने आज राजद ज्वाइन किया है, इसके बारे में। सबसे पहले मैं धीरज जी के साथ साथ इनके पूरे कमिटी के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने राज्य के परिस्थिति को देखते हुए जदयू से पूरे नगर का अति पिछड़ा जो संगठन है इनके नेतृत्व में आज राजद ज्वाइन किया, और ये समझ चुके हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो अति पिछड़ों और दलितों के हित में काम नहीं कर रहा है। वहाँ से निराश होकर इन्होंने पूरी अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण करने का काम किए हैं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि धीरज जी को पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगा और पार्टी के लिए ये और इनके पूरे टीम जो है मजबूती से काम करेंगे और पार्टी को